नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका ब्रिज मोहन सूरी चैनल में। यूट्यूब चैनल ब्रिज मोहन सूरी आपका अपना चैनल है, ये मेरे नाम से चैनल है परंतु ये आप सबका चैनल है। तो आइए, इस चैनल में आज हम आपको नया विषय दिखाते हैं, एक ऐसा विषय जिसकी जानकारी लेकर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका दिन अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्या हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं तेजी से। जी हाँ, यदि आप जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये कुछ एक कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि जिंदगी आपकी वाइब्रेशन पर निर्भर करती है, जिंदगी आपके कार्यों पर निर्भर करती है कि आप कैसे कार्य करते हैं, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। मैं कार में कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा बच्चा पेन बेच रहा था, वो मेरे पास आया और उसने मेरे कार के ग्लास को नॉक किया। मैंने जैसे ही नीचे किया, उसने कहा ये 20 रुपए का एक पेन है। मैंने उसको 100 रुपए दिए और 5 पेन ले लिए। वो भागा भागा, 7 फुटपाथ पे दो लोग बैठे थे, एक की दोनों टांगे नहीं थी और उसकी माँ थी साथ में जिसकी दोनों बाजू नहीं थी, उनके पास चला गया। मेरे साथ पत्रकार बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया, 2 रुपए वाला पेन आपने 20 रुपए का ले लिया। मैंने हंसते हुए कहा कि आपने देखा कि वो पैसे लेकर कहाँ गया। कहते वो बात तो ठीक है लेकिन वो ठगी मार रहा है। मैंने कहा ठगी नहीं मार रहा है, मैंने बहुत बार उसकी मदद करने की कोशिश की है परंतु वो मदद नहीं लेता है। उसके माँ बाप को मैंने उपचार के लिए धन देने की भी कोशिश की है परंतु वो भी नहीं लेते हैं, बस ये पेन बेचता है। यदि मैं इससे मोल भाव करता तो ये 5 रुपए का पेन मुझे दे देता, हो सकता है 3 रुपए का भी दे देता, परंतु मैंने ये पेन सिर्फ इसलिए लिए हैं कि मैं इसकी मदद कर दूं ताकि इसका कार्य संपन्न हो। अब वो कहने लगे कि आप पेन ना लेते फिर। मैंने कहा मैंने ये भी कोशिश करके देखी है कि इसको पैसे दे दूं, पेन ना लूं, लेकिन ये नहीं मानता है, इसलिए पेन ले लिए हैं। और जब जब इसकी मदद की जाती है तब तब परमात्मा मेरी खुद की मदद करता है। बहुत बार मैंने ऐसे दान करने की कोशिश की है परंतु सामने वाला सदैव इनकार कर देता है कि नहीं, हम ये दान नहीं लेंगे। तो फिर मुझे कुछ इसी प्रकार से मदद करनी पड़ती है। मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटा था तो राम आश्रम अमृतसर में स्कूल है मजीठा रोड के पास, तो संत सिंह सुखा सिंह स्कूल के सामने वहां पढ़ता था। तो बाहर एक बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग, 90-95 साल से ऊपर उम्र होगी, एक इतने से कागज पर 2-4 रुपए की स्वीट्स टॉफियां वगैरह लगा के बैठा होता था, जिस गंदगी की वजह से उससे कोई खरीदता नहीं था। तो जो जेब खर्च मुझे मिलता था मैंने कोशिश की बहुत बार कि उसको दे दूं परंतु वो नहीं लेते थे, इसलिए मैंने उनसे सारा सामान खरीद लेना होता था और फिर चाहे उसको मैं कहीं भी फेंक देता था क्योंकि खाने को मेरा भी दिल नहीं करता था, परंतु वो फ्री लेते नहीं थे तो मदद की तौर पर मैं उनसे वो सामान खरीद के उसको बच्चों को भी नहीं देता था, मक्खियां बैठ रही होती थी, परंतु वो बुजुर्ग इतने थे कि उनको अब कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं थी, बस अपने जरूरत के लिए या हो सकता है कि घर में जीवन साथी की जरूरत के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो परमात्मा हमारी मदद करता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, खाना खाते हो, बर्गर लेते हो, सबवे लेते हो, यदि आप साथ के साथ कुछ दान करते रहें तो परमात्मा आपको बहुत अधिक शक्ति देगा, परमात्मा आपको बहुत अधिक आगे ले जाएगा, क्योंकि जिंदगी में आगे वही बढ़ते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। कहते हैं ना कि पैसा
और दिल, ये दोनों वस्तुएं किसी एक व्यक्ति के पास बहुत मुश्किल से होती हैं। भगवान पैसा भी बहुत लोगों को देता है, उनको दिल नहीं देता। दिल बहुत लोगों को देता है, उनको पैसा नहीं देता। परंतु पैसा और दिल दोनों एक साथ होना सौभाग्य की निशानी है। तो आप लोगों को चाहिए कि जब हम कहीं जाते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। और वैसे भी यदि भगवान ने आपको दिया है तो अपने इर्द गिर्द घूम रहे लोगों की मदद अवश्य कीजिएगा। आपके घर में जो काम करते हैं, जब वो आपसे मदद मांगते हैं तो आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। एक्चुअल में उनके लिए कोई उपचार कर पाना या एकाएक कोई बड़ा खर्चा सह पाना आसान नहीं होता है, जो हमारे लिए बहुत मामूली होता है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 या 10 हजार रुपये यूं ही खर्च कर देते हैं, परंतु 10 हजार से उनके घर का बहुत अच्छे ढंग से हर मुश्किल से निपटारा हो जाता है। यानी राशन भी आ जाएगा, बिजली का बिल भी चला जाएगा, बच्चों के कपड़े भी आ जाएंगे, शादी में भी होके आ जाएंगे। परंतु आपके घर में 10 हजार में एक बच्चे की ड्रेस भी मुश्किल से आती है। योग्य, जितने योग्य हैं आप अवश्य दान कीजिए। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो परमात्मा आपके लिए करने लगता है। जब आप दूसरों के लिए अपनी जेब हल्की करते हैं तो परमात्मा आपके लिए अपनी जेब हल्की करने लगता है। यानी अपना दिल खोल देता है और आपको वह सब मिलने लगता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं है। यदि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में, बहुत नाम कमाना चाहते हैं, बहुत धन कमाना चाहते हैं, तो दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। सबसे आसान रास्ता है, जिससे परमात्मा आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपका प्रत्येक कार्य बड़ी आसानी से संपन्न होने लगेगा। ये मेरा दावा है और मैंने आजमा कर देखा है कि जब जब मैं दूसरों की मदद करता हूं मुझे बहुत मिलता है। मैं 1 तारीख को, 1 तारीख को पेंशन दिया करता हूं। आप भी हमारे साथ इस कार्य में जुड़ सकते हैं। गरीबों को हम पेंशन देते हैं, तो 200 रुपये, 300 रुपये पेंशन होती है। आप एक पेंशन भी दे सकते हैं और उस व्यक्ति का एड्रेस भी ले सकते हैं जिसे हम आपके नाम से पेंशन देंगे। आप उससे फोन करके पूछ सकते हैं कि उसको समय पर पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हम पेंशन देते हैं, तो जिस दिन मैं पेंशन देता हूं, अभी तक तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूं। आज पहली बार मैंने इस वीडियो में बोला है कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या होता है कि जो जब लोग पेंशन लेकर जाते हैं तो मेरा कोई रुका हुआ कार्य हो तो अपने आप हो जाता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो कहते हैं ना, करते हो तुम बिहारी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। यानी वो करते वो परमात्मा है और नाम मेरा होता है। तो जब आप करोगे तो परमात्मा की कृपा से करोगे और देखोगे आपका कितनी तेजी से नाम होगा और आप कितनी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। परिवार में सुख रहेगा, आपके मन में शांति रहेगी और बड़े से बड़ा दुख आपको अधीर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि दूसरों के लिए अपनी जेब खुली रखें। यदि आपको लगता है कि आपने इतना कमा लिया है, अब कमाने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझता हूं दूसरों के लिए कमाइए। कमाई करते रहिए, काम करते रहिए, जितना आपको चाहिए रख लीजिए, बाकी दूसरों को दान कर दीजिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि जब अलमीरा खोलते हो उसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें साल में 1 या 2 बार पहनना है, हैं अच्छे वो, तो वो दान कर दीजिए। ये सोचकर कीजिए कि नए खरीद कर भी लोग दान करते हैं, हम तो वो दान कर रहे हैं जो हम मात्र साल में 2 या 3 बार पहनेंगे। तो करो दान, एक तो जगह खाली होगी, दूसरा पुण्य मिलेगा। इसी तरह घर में मिठाई आती है, खाना आता है, बहुत कुछ होता है, तो उनको अधिक से अधिक दान कीजिए। इससे आपके आगे बढ़ने में बहुत शक्ति मिलेगी। आप जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ब्रिज मंसूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे।
जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्मपत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्मपत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं, क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्मपत्री में होता है। जब हम जन्मपत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।